वेलकम टू इजी लर्निंग 700। बहुत से स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए की एलिजिबिलिटी नहीं पता, और वो जानना चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए की एलिजिबिलिटी क्या है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए में एडमिशन लेने के लिए 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री की जरूरत है, और जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम से किया है, अगर एनुअल सिस्टम की डिग्री मौजूद है तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और अगर सेमेस्टर सिस्टम की डिग्री मौजूद है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर 2.5 CGPA होना चाहिए। और जाहिर बात है कि वो जो यूनिवर्सिटी हो जहाँ से डिग्री की है वो HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी रिकग्निशन HEC ने कैंसिल कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कराची यूनिवर्सिटी की MBA की एलिजिबिलिटी बताई। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।